हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज है दिन संडे और 29 अगस्त। तो आज मेरे भतीजी का आज जन्मदिन है। हम तो उस दिन बोल दिए थे, नहीं आज, आज 29 अगस्त है, आज उसका जन्मदिन है। आज है मेरे भतीजे का जन्मदिन। मैं कढ़ी पत्ता लाने गई थी, आज कढ़ी बनाऊंगी। कढ़ी चावल और आलू परवल का सब्जी। तो दही ले लेती हूँ और फिर से बैक टू रूटीन, फिर से आ गए उसी रूटीन पे। तो अब खाना बनाने का तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये देख लीजिए क्या हाल है, वाइट, इसको कल कलर किया जाएगा। आज तो बाल धोए हैं। यहाँ लग गई हूँ कढ़ी की तैयारी में। हालांकि घर का पिसा हुआ बेसन है, फिर भी एक बार छान ले रहा हूँ। देखिए इसमें निकलेगा कुछ भी नहीं है, लेकिन संतुष्टि के लिए एक बार छान देते हैं। इसमें धीरे धीरे करके पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ना गाढ़ा और ना पतला, मतलब परफेक्ट बैटर होना चाहिए ताकि हाथ से ऐसे करे तो गिरे। और हम लोग तो चेक करते थे, माँ का ही सिखाया हुआ है कि जब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छा से, हाथ के नीचे भी लगेगा कि हल्का लग रहा है, जो बेसन है हल्का लगेगा। और नहीं संतुष्टि है, नहीं जानकारी है, तो थोड़ा सा पानी में एक बड़ी को तोड़ कर डालो, तो अगर ऊपर तैर गया तो बेसन परफेक्ट है, और नहीं तो थोड़ा देर और उसको मलना पड़ेगा। देखिए पानी में एक बड़ी तोड़ के डाले, वो ऊपर आ गया और हम उस तरफ से देख रहे थे, सोचे कि कैमरा में तो दिखेगा नहीं, तो फिर इस तरफ किए। देखिए तैर रहा है ना, तो मेरा बैटर परफेक्ट तैयार है। अब इसमें मसाला डालेंगे, फिर नमक डालेंगे बाद में, पहले प्लेन बेसन को फेंटना रहता है। अब इसमें हल्दी डालें, थोड़ा सा गुलकी जीरा का पाउडर डालेंगे और कुछ नहीं, धनिया पाउडर अभी नहीं। जो घोल तैयार करेंगे ना कढ़ी के लिए, उसमें डालते हैं घोल के लिए। अगर मिर्ची पाउडर है तो हल्का सा मिर्ची पाउडर भी डाल दीजिए, टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तब तक उधर मेरा चावल भी चढ़ा हुआ था,
और सब्जी भी मेरा चढ़ा हुआ था। फिर यहाँ आलू और परवल का सब्जी बना रहे हैं, तो इसको पहले, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि सब्जी जो पहले काट के रखते हैं तो उसमें जरा भी पानी का अंश नहीं रहता है, तो मतलब इतना सा भी तेल डाले तो आराम से उसमें पक जाता है सब्जी, और जहाँ भीगा हुआ सब्जी रहेगा सारा तेल उड़ के कढ़ाई से बाहर। ये चीज़ हम बहुत बार हम गौर किए हैं कि नहीं, भीगा हुआ अगर सब्जी है जरा सा भी तो सारा तेल आपका कढ़ाई से बाहर, और नहीं तो सूखा हुआ है जैसे आलू भी अभी डालें और परवल, दोनों मेरा इतना ही तेल में पक गया आराम से, उसके बाद जाके फिर मसाला मिलाए थे। तो ये चीज़ हम, और यही कारण है कि मतलब टाइम है तो हम पहले सब्जी काट के रख लेते हैं, ताकि मतलब एक तो उड़ने का जो उड़ता है पड़ने का वो सभी टेंशन खत्म, और कम तेल में भी बन जाता है। देखिए पक गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, उसके बाद फिर मसाला मिलाएंगे। देखिए इसको चेक करके देख रहे हैं कि मेरा आलू गल गया है। अब उसके बाद इसमें आज लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कल जन्माष्टमी है, तो अदरक और मिर्ची, तो ऐसे ही दरदरा और एक टमाटर पीस लिए थे मिक्सी में, तो वही डाल दिए। अब इसमें धनिया पाउडर, गुलकी जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर अब मिक्स करेंगे, और वैसे ही फिर ढक के पकाएंगे। यहाँ पर अब सारे सूखे मसाले मिला लेंगे, जैसे धनिया पाउडर, गुलकी जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर, और उसको फिर मिक्स करके अच्छे से ढक ढक के पकाएंगे। और हाँ, कल है जन्माष्टमी, कन्हैया जी का जन्मदिन, तो आप सबको भी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई हो, सबका दिन मंगलमय हो। कल तो हम फास्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन पूजा करेंगे, तो आप लोग भी बताइएगा आप लोग भी किस तरह से जन्माष्टमी को मनाए हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, उस पर ढक देंगे, मसाला अच्छे से पक जाएगा, सब्जी तैयार। बस लास्ट में हल्का सा कसूरी मेथी मसल के डालें और कुछ नहीं बस। तो यहाँ अब बड़ी को अब डाल रहे हैं तलने के लिए, तो ऐसे हाथ से ही बनाते थे, लेकिन हाथ बार बार गंदा होता है, बार बार उसको उसको क्या बोलते हैं, कलछी को पकड़ना पड़ता है ना, तो गंदा हो जाता, तो हमने चलो चम्मच से ही निकाल देते, हाथ नहीं गंदा होगा, कलछी को पकड़ने से पूरा गंदा हो जाता है, तो चम्मच से ही निकाल दिए। कौन कौन ऐसे हाथ गंदा होने से बचने के लिए करता है जरूर बताइएगा। मतलब कुछ कुछ चीज होता है ना इंसान का, अब जैसे बहुत लोग हैं जो हाथ से खिचड़ी खाते हैं, खीर भी हाथ से खाते हैं, और खाना भी चाहिए, लेकिन हम नहीं खा सकते, हम खिचड़ी जब भी खाएंगे चम्मच से, खीर खाएंगे चम्मच से। तो यहाँ सेकंड बार वाला भी बड़ी को निकाल लिए, और थोड़ा सा और बचा था तो उसको फिर निकाले। तो क्या आप लोग भी इस तरह से करते हैं? मतलब हमको नहीं अच्छा लगता है हाथ गंदा होता है, हाँ चावल खा लेंगे हाथ से, लेकिन जो गीला चीज है ना, गीला चीज नहीं खा पाते, पता नहीं शायद खाने नहीं आता होगा, इसलिए हमको तो यही लगता है कि खाने नहीं आता होगा। इसमें थोड़ा सा बेसन बच गया था, और कद्दू था रखा हुआ, तो कद्दू का बचका बहुत अच्छा लगता है, लाओ भाई चार वो निकाल देते हैं, कद्दू का बचका भी, हम लोग बचका बोलते हैं, आप लोग पकौड़ी बोलते होंगे, हम लोग
बचका बोलते हैं, कद्दू का हुआ, आलू का हुआ, बैंगन का हुआ, मतलब जो भी बनाते हैं तो बचका ही बोलते हैं। तो एक आलू काट के ही बना लिए हैं और थोड़ा सा कद्दू काट के बना लिए, बाकी का घोल। तो लीजिए अब कढ़ी में तड़का लगाते रहे, तो इसमें डाले थे करी पत्ता और 5 फोरन और 3 लाल मिर्च, थोड़ा सा सोना सोना और थोड़ा सा हिंग डाले। लाल मिर्च डालने से क्या होता है ना, थोड़ा सोना जैसा लगता है। अब 5 फोरन का हमको टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। और ये डाल दिए घोल, तो हम एक ही बार में दही, मसाला और बेसन सारे को घोल के एक ही बार में डाल के मिक्स करके, तो अब इसमें नमक डाल देंगे, नमक डाल देंगे बस, खोलने का थोड़ा देर इंतज़ार करेंगे। और अब इसमें पकौड़ी डालने का टाइम आ गया, तो हम तो पकौड़ी बोल रहे हैं लेकिन नहीं, हम लोग इसको बर्री बोलते हैं, बर्री। दही बड़ा को बड़ा बोलते हैं और कढ़ी वाला बरी को बरी बोलते हैं, पकौड़ी नहीं बरी। तो उसको डाल दे रहे हैं, देखिए सारे के सारे तैर गए। और ऐसा हो गया था ना लास्ट में कि मतलब अभी अच्छी देर खोलेगी, मतलब कढ़ना है इसको, उसके बाद गैस तब बंद करेंगे। अभी इसको कढ़ने देते हैं। अब इसमें लगेगा फाइनल तड़का, तो राई और मिर्ची को जला लिए हैं, अब गैस बंद कर, अब गैस बंद कर लिए। अब उसके बाद उसमें कलर वाला मिर्च थोड़ा डाल दिए ताकि कलर अच्छा आ जाएगा, नहीं तो गैस जलते रहता तो जल जाएगा, फिर टेस्ट खराब हो जाएगा। तो ये लगा फाइनल तड़का, आप देखिए। अब इसमें कढ़ी में तड़का लगाती हूँ, देख के बताइएगा आप लोग कैसा लगा। कढ़ी हो गया, सब्जी और ये पकौड़ी और ये चावल, लंच तैयार। खाना वाना खाने के बाद फिर परेशानी मेरा बढ़ गया, मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, बहुत ज़्यादा। सोचे थोड़ा सा लेटे तो ज़्यादा मैंने आराम मिले, लेटने भी गए तो बेचैनी पकड़ लिया। उसके बाद उठे हैं, तो उठ के सबसे पहले पैर बहुत दबाएं खुद से, और दबाएं उसके बाद जाके तब राहत मिला, तब जाके 2 बजे हम आधा घंटा के लिए हम सोए कि नहीं एकदम बेचैनी हो गया पैर में मेरा। थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है संडे के दिन तो थक जाते हैं। फिर उसके बाद 3 बजे उठ गए तो देखे कि नहीं कपड़ा मेरा सारा भीग जाएगा तो सब मेहनत बेकार जाएगा, इसलिए कपड़ा पहले उठ के ले आते हैं। तो कपड़ा जाके लाए, फिर इधर उधर थोड़ा सा मतलब व्यवस्थित करने में टाइम निकल गया, थोड़ा बगान घूम के आए तो टाइम निकल गया। फिर 5 बजे जाके चाय चढ़ाए, तो जितना देर में चाय हुआ उतना देर में कपड़ा को लगाने आ गए। कपड़ा फिर ऐसे रखा रहेगा तो नहीं अच्छा लगेगा, तो सबसे पहले कपड़ा को तय कर लो, फिर उसके बाद चाय पिए और सांझ बत्ती दिखाएं, रात का खाना बनाया। जब वीडियो एडिट करने लगे तो पता चला कि हम तो वीडियो का एंड किए ही नहीं है, तो लेकिन अब क्या करें, अब तो फिर ऐसे फिर ऐड करेंगे तो फिर बहुत लंबा और वीडियो हो जाएगा। चलो तो वॉइस ओवर से ही एंड कर देते हैं, तो फिर से मिलेंगे आप लोग के साथ एक नए अच्छे से ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, आपको नहीं भी अच्छा लगे तब भी आप कमेंट्स कीजिएगा, और अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमको सपोर्ट जी। तो फिर मिलेंगे एक अच्छे नए ब्लॉग में, गुड नाइट।
ये कौन कर रहा है? तो यहाँ हम लोग आपस में मगही में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग घर में मगही में ही बात करते हैं। आप लोग कहिएगा कि ऐसे ही बात करते, हालांकि मेरा बेटा भी कभी कभी उसको बहुत शौक चढ़ेगा तो मगही में ही बोलेगा, हाँ काहे मैया बोलो बोल, तो ऐसे ही करके बोलेगा। उसको भी बहुत शौक अच्छा लगता है कि अपना मगही भाषा में बात करने में, और मगही है भी बहुत मीठा, अगर प्यार से बोले लोग तो बहुत मीठा। और तोड़ मड़ोड़ के जो बोलता है वो तो अलग बात है, लेकिन मगही बोलता ही है, मगह का पान और मगह का बोली, बहुत मीठा यानी भाषा, मगही भाषा बहुत मीठा। यह है पूरब, और ये देखिए इस तरफ का पश्चिम।